रजाकुंडा पुलिस ने टायर लोड लॉरी डकैती और चोरी में मुलविस एक आदि बैन रियासती गैंग को गिरफ्तार किया और 152 MRF टायर्स, मारुति सियाज कार, एक्टिवा बाइक और दीगर अशिया बरामद कर लिए। इसके अलावा 20,000 रुपये नकद रकम भी बरामद कर लिए, जिसकी कुल मालियत 44,72,000 रुपये और दीगर बताई गई है। CCSLB नगर की टीम, IT सेल और रजाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के पहाड़ी शरीफ पुलिस के साथ मिलकर सुबह के औकात में पहाड़ी शरीफ PS के हदूद में तीन आदि बैन रियासती लॉरी टायर लोड चोरी करने वाले मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 फरवरी को सुबह 9 बजे हमारे पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में एक लॉरी कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर आके उनके हाथ पीछे बांध के उनको गन पॉइंट पे थ्रेटन करके जो लॉरी में तकरीबन 192 टायर का जो लोड था MRF टायर्स, जो तमिलनाडु पेरम्बुदूर से हिसार हरियाणा लेके जा रहे थे, ये टायर एक गोडाउन में खाली करके ये लोगों ने रॉबरी किया करके हमें कंप्लेंट आया। कंप्लेंट आने के बाद इमिडिएटली हम लोगों ने जहाँ से लॉरी स्टार्ट हुआ उस जगह से जिसने लोड किया उन लोगों को कांटेक्ट किया। ये लोगों ने हमें बताया कि जब उन्होंने तिरुचि पेरम्बुदूर के गोडाउन से जब वहां से वो लॉरी स्टार्ट किया था, बीच में ढाबा होटल पे दो लोग इनके लॉरी में चढ़े और वो दोनों भी हरियाणा के इनके गांव के थे करके इन लोगों को कोई असुविधा नहीं हुई कि उनको कोई अनजाने आदमी को अपन लोड कर रहे करके, और भरोसे से उनको साथ में ले लिया। टिप्पर थी नलगोंडा जिला, वहाँ पे ये लॉरी आने के बाद ये लोगों ने इनको मारपीट की, जो दो लोग चढ़े थे ड्राइवर क्लीनर को मारपीट करके उनको वेपन दिखा के लॉरी इधर उधर घुमा के बाद में कटेदान में एक गोडाउन में लॉरी लोड पूरा उन्होंने खाली करवाया और टुकुगड़ा के पास इनको छोड़ दिया। वो टुकुगड़ा से फिर पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन वो लोग आए। तमिलनाडु में लोग ढाबा होटल पे जहाँ पे चढ़े वहां से भी हमें CCTV फुटेज मिला और इन लोगों के फोन से भी हमें कुछ आधार मिला। उसके ऊपर वर्कआउट करते हुए हमें ये तय हुआ कि ये जो दो लोग हैं उसमें एक जो मेन है उसका नाम जमशेद है और ये इससे पहले भी वो ट्रांसपोर्टर के पास वहाँ पे तमिलनाडु में जाके ड्राइवर का काम मांगा था, तो ट्रांसपोर्टर ने इनका आधार कार्ड वगैरह अपने पास रखा हुआ है, वो फोटो भी मिला हमें। फिर हमने इसके बारे में जानकारी लेना शुरू की और हमें जब हमने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन वहाँ पे चार्ट देखना शुरू किया तब हमें मालूम हुआ कि 18 तारीख को रात में 9:45 के स्पाइस जेट फ्लाइट से जमशेद ऑलरेडी दिल्ली के लिए निकल चुका है। तो फ्लाइट एयर में था तो हमने इमिजिएटली दिल्ली एयरपोर्ट में वहाँ DCP त्यागी साहब को कांटेक्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छा हमें कोऑपरेशन दिया और जैसा ही ये जमशेद दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर गया वो दिल्ली पुलिस ने उसे अपने हवाले में लेके हमें इतला किया और हमारी टीम 19 तारीख को हम स्पेशल फ्लाइट से यहाँ से टीम भेज के वो जमशेद को हमने कस्टडी में ले लिया। उसके इंट्रोगेशन पे उसने उसके साथ में एक राहिल खान करके, ये भी मेवात हरियाणा का रहने वाला, ये दोनों ने मिलके